ओके, इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द मोनोपोल एंटीना। तो यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक ट्रांसमिशन लाइन है। ये ट्रांसमिशन लाइन किससे कनेक्टेड है? सोर्स से कनेक्टेड है। एंड दिस इज़ नथिंग बट इट्स अ ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन। यदि इस ओपन सर्किट ट्रांसमिशन लाइन को ए पॉइंट से ऊपर की तरफ और बी पॉइंट से नीचे की तरफ फ्लेयर कर दिया, तो मेरे पास जो एंटीना बनेगा वो कौन सा एंटीना होगा? डाइपोल एंटीना होगा। क्या ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ये बैलेंस्ड है? बिल्कुल है, क्योंकि पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन है। तो इससे बनने वाला जो एंटीना है वो भी, उसका नेचर भी कैसा होगा? बैलेंस नेचर का होगा। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि डाइपोल एंटीना कैसा स्ट्रक्चर है? एक बैलेंस्ड स्ट्रक्चर है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन? ट्रांसमिशन लाइन गाइड्स द वेव। लेकिन ये जो एंटीना है इसका नेचर कैसा है? टू रेडिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इस डाइपोल की हेल्प से हम मोनोपोल भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, इसको एक पोल कहते हैं और इसको दूसरा पोल कहते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट पोल, दिस इज़ योर सेकेंड पोल। जो आपका ये सेकेंड पोल है इसको आप ग्राउंड से कनेक्ट करके स्प्रेड कर दीजिए। ये जो सेकेंड पोल है ग्राउंड से कनेक्ट करके स्प्रेड कर दीजिए। तो ये इस पोल को आपने क्या कर दिया? ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। ये सोर्स है, एज इट इज़ रखा। सोर्स किससे कनेक्टेड था? ऊपर वाले पोल से। ऊपर वाले पोल से कनेक्ट किया और ऊपर वाले पोल को एज इट इज़ ऐसा रख दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल मोनोपोल एंटीना। तो आप देखिए कि जब आपने इसको किस में कन्वर्ट किया? ग्राउंड प्लेन में कन्वर्ट किया। तो सबसे पहली बात आती है साइज़ ऑफ द ग्राउंड प्लेन। इस ग्राउंड प्लेन का जो साइज़ होना चाहिए आइडियल केस में, इट मस्ट बी इन्फिनिटी। बट इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो इस दूसरी बात, इसको ये जो ये है, ये जो कंडक्टर है, इसको कभी कभी हम रेडिएटिंग एलिमेंट बोलते हैं। तो आइडियल केस में इस रेडिएटिंग एलिमेंट की साइज़ क्या होनी चाहिए? पहले देखिए डाइपोल का साइज़ कितना होता है। डाइपोल का साइज़ लैम्डा बाई टू होता है। ये लेंथ कितनी होगी? लैम्डा बाई फोर। ये लेंथ कितनी होगी? लैम्डा बाई फोर। तो सोच के देखिए, इस वाले पोल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? लैम्डा बाई फोर होगी। तो आइडियल केस में मोनोपोल एंटीना का रेडिएटिंग एलिमेंट का साइज़ कितना होगा? लैम्डा बाई फोर होगा। तो दो कंडीशन मुझे समझ में आ गई। क्या क्या? आइडियल मोनोपोल के केस में रेडिएटिंग एलिमेंट का साइज़ क्या होगा? लैम्डा बाई फोर होगा। एंड द साइज़ ऑफ द ग्राउंड प्लेन मस्ट बी इन्फिनिटी। बट वट आर द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस डाइपोल स्ट्रक्चर एंड मोनोपोल स्ट्रक्चर? तो देर आर टू डिफरेंसेस। तो पहला डिफरेंस क्या होता है? डाइपोल स्ट्रक्चर रिक्वायर्स डबल इंडेड सोर्स। तो वट इज़ डबल इंडेड सोर्स? तो आप देखिए, आपने कभी लैब में ऐसा देखा होगा कहीं पे भी कि एक ऐसा सोर्स देखा होगा कि जहाँ पे +5 और -5 लिखा है। तो आप देख के समझ जाना कि ये कैसा सोर्स कहलाएगा, डबल इंडेड सोर्स कहलाएगा। डाइपोल एक बैलेंस स्ट्रक्चर है। किससे फॉर्म हुआ है? ओपन सर्किटेड ट्रांसमिशन लाइन से फॉर्म हुआ है। और साथ ही साथ ये डिफरेंशियल मोड ऑफ ऑपरेशन पे काम करता है। कौन से मोड ऑफ ऑपरेशन पे? डिफरेंशियल मोड। +5 -5, +5 -5, ये क्या कहलाता है? डिफरेंशियल मोड। तो डाइपोल के ऑपरेशन के लिए, डबल इंडेड सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए, व्हाट इज सिंगल इंडेड सोर्स? सिंगल इंडेड सोर्स ऐसा कहलाता है जहाँ पे +5 और 0 लिखा हुआ है। तो ये किस तरीके का? ये एक सिंगल इंडेड सोर्स का एग्जाम्पल है। तो मोनोपोल के केस में हमें डबल इंडेड सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप सिंगल इंडेड सोर्स लगा दीजिए, +5 को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, 0 को ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए, आपका मोनोपोल एंटीना क्या करेगा? वर्क करेगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन डाइपोल एंड मोनोपोल एंटीना। व्हाट इज़ द सेकेंड डिफरेंस? अच्छा, अब देखिए कि हाई फ्रिक्वेंसी ऑपरेशन के केस में, हम किसी भी तरीके का बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन और पैरेलल वायर ट्रांसमिशन लाइन यूज़ नहीं करते। उसका रीज़न मैंने एक वीडियो लेक्चर में बताया है कि वाई डू वी यूज़ कोएक्सियल केबल एट हाई फ्रिक्वेंसी। एक्चुअली कोएक्सियल केबल से बेनिफिट ये मिलता है कि कोएक्सियल केबल रेडिएट नहीं करती हायर फ्रिक्वेंसी पे।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये कोएक्सियल केबल है, ये कोएक्सियल केबल का सेंट्रल कंडक्टर है और ये जो है आउटर कंडक्टर है। आउटर कंडक्टर को हम क्या कहते हैं, सील्ड भी कहते हैं। ये आपका डाइपोल एंटीना है। डाइपोल एंटीना कैसा किसका एग्जाम्पल है, बैलेंस एंटीना का एग्जाम्पल है। मान लीजिए आपने क्या किया कि सेंट्रल कंडक्टर को एक पोल से कनेक्ट कर दिया और ये जो आउटर कंडक्टर है शील्ड है उसको दूसरे पोल से कनेक्ट कर दिया। डायरेक्टली आपने क्या किया, डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। तो आपको रेडिएशन किससे चाहिए, डाइपोल से चाहिए कि कोएक्सियल केबल से चाहिए? तो मेरा जवाब है कि मुझे रेडिएशन डाइपोल एंटीना से चाहिए, ना कि कोएक्सियल केबल से चाहिए। डाइपोल एंटीना कैसा है, बैलेंस स्ट्रक्चर है। कोएक्सियल केबल कैसा स्ट्रक्चर है, अनबैलेंस स्ट्रक्चर है। बैलेंस और अनबैलेंस को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। यदि आपने इन दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया तो ये तो रेडिएट करेगा ही करेगा, आपका कोएक्सियल केबल भी रेडिएट करना चालू करेगा। मतलब हमें तो एक्चुअली में रेडिएशन इससे चाहिए, ना कि इससे चाहिए। मतलब बैलेंस बैलेंस और अनबैलेंस को मैच कराने के लिए एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम बैलून कहते हैं या बेलन कहते हैं। बेलन का फंक्शन क्या है, बेलन मैचेस द इम्पीडेंस बिटवीन डाइपोल एंड दिस कोएक्सियल केबल। तो यानी कि डाइपोल के ऑपरेशन के लिए हमें एक एक्स्ट्रा डिवाइस की और ज़रूरत पड़ गई, बैलून की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन मोनोपोल के केस में देखिए, मोनोपोल कैसा है, मोनोपोल एक अनबैलेंस स्ट्रक्चर है। मोनोपोल एक अनबैलेंस स्ट्रक्चर है और कोएक्सियल लाइन भी आपका एक क्या है, अनबैलेंस स्ट्रक्चर है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपका जो ये सेंट्रल कंडक्टर है, सेंट्रल कंडक्टर को किससे कनेक्ट करना देना है, मोनोपोल एंटीना से। और ये जो आपका शील्ड है उसको आप किससे कनेक्ट कर दीजिए, ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए। अब मेरा फिर से सवाल ये है कि ये आपका आइडियल मोनोपोल एंटीना है, जिसकी जिसकी लेंथ जो है, जो रेडिएटिंग एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, λ/4 होना चाहिए, और साइज ऑफ द ग्राउंड प्लेन जो होना चाहिए वो इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो और साथ साथ आप देखिए कि आपको दो डिफरेंस समझ में आ गए कि मोनोपोल और डाइपोल में क्या डिफरेंस होना चाहिए, कि डाइपोल के ऑपरेशन के लिए मुझे बैलून की ज़रूरत पड़ेगी और डाइपोल के ऑपरेशन के लिए मुझे डबल एंडेड सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये दो डिफरेंस होते हैं मोनोपोल और डाइपोल में। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि आइडियल मोनोपोल के केस में जो रेडिएटिंग एलिमेंट का साइज़ होना चाहिए वो λ/4 होना चाहिए और एंड साइज ऑफ द ग्राउंड प्लेन मस्ट बी इन्फिनिटी। तो इट्स अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द मोनोपोल एंटीना। रेस्ट ऑफ द थिंग ऑफ अबाउट द मोनोपोल एंटीना वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।